व्यूअर्स, आज मेरे पास जो है वो 7 शॉट पिस्टल है। इसको डिसअसेंबल करेंगे फुली और इसकी क्लीनिंग वगैरह करेंगे और दोबारा से असेंबल करेंगे। पिस्टल को चेक कर लेते हैं, पिस्टल बहुत ज़्यादा जैम है। और सबसे पहले पिस्टल को डिसअसेंबल करेंगे। लॉक को बाहर निकाल लेंगे और चैम्बर को उतार लेंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है इसको। रिकॉइल स्प्रिंग भी निकाल लेंगे और बैरल वगैरह भी खोलेंगे। बहुत ज़्यादा जैम है पिस्टल। ये देखें, बैरल को भी काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है। और डिसअसेंबल करने के बाद इसको जो है वो WD-40 से साफ़ करेंगे, सफाई वगैरह करके फिर असेंबल करेंगे। साइड ग्रिप्स वगैरह खोल लेंगे। ये साइड पे रख लेंगे। ट्रैगर भी निकाल लेंगे। ट्रैगर स्प्रिंग भी निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। फायर पिन को चेक कर लेंगे। फायरिंग पिन का स्प्रिंग भी कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो इसको साफ करेंगे और फिर जो है वो इसका फायर पिन का स्प्रिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको डालने का तरीका बताऊंगा। अभी WD-40 से इसकी सफाई कर लेंगे। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जंग जो है वो उतरना शुरू हो गया WD-40 से। ये साइड ग्रिप वाली जगह से भी जंग वगैरह उतार लेंगे। चैम्बर लगा के चेक कर लेंगे कि ये चैम्बर टेढ़ा वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से जैम हो रहा था। ये बिल्कुल अपनी जगह पे है क्योंकि जंग की वजह से बहुत ज़्यादा, ये देखें, इसमें मसला आ रहा था। ये देखें, जंग बहुत ज़्यादा। अभी बैरल को भी WD-40 से साफ कर लेंगे। हमर वाली जगह पे भी सही ओलिंग कर लेंगे ताकि रस्ट वगैरह निकल जाए इसका। अभी इसको असेंबल करके चेक कर लेते हैं, फिर इसको ड्राई कर लेंगे। हम
हमेशा जो जब भी आप 7 शार्ट पिस्टल जोड़ेंगे तो ट्रैगर जो है वो उसका बाद में जुड़ेगा, और चैम्बर जो है पहले जुड़ेगा, ट्रैगर जो है वो बाद में जुड़ेगा, जो देसी पिस्टल है पाकिस्तान मेड। ये रस्ट की वजह से फंस रहा था, ये देखिए अभी बिल्कुल नरम हो चुका है। और इसमें ऑयलिंग जरा और ज्यादा कर लेते हैं ताकि जो जंग वगैरह है वो निकल जाए। ये देखें पहले बिल्कुल फंस जाता था, अभी बेहतरीन हो चुका है। ट्रैगर की फिटिंग कर लेंगे। बेहतरीन फायर कर रहा है। थोड़ा सा ट्रैगर जो है वो स्प्रिंग है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसकी भी सेटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ से आपने स्प्रिंग को पकड़ना है और इस जानिब प्रेस करना है ताकि ये ट्रैगर को वापस अपनी जगह पे लेके जाए और फायर पोजीशन में ले आए। अभी दोबारा से इसको फिट करेंगे। अभी भी ये काम नहीं कर रहा तो दोबारा इसको खोल लेंगे। और ऑटोमेटिक वाली जगह की सेटिंग वगैरह करेंगे ताकि ये पिस्टल पूरा बैठ जाए। ट्रैगर के स्प्रिंग को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, यहाँ से भी मूली सा इस तरह आपने टाइट कर लेना है और दोबारा से इसको फिट कर लेना है इस तरीके से। एक दोबारा आपने चेक कर लेना है फायर कर रहा है। ये देखें हैमर और ट्रैगर अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये देखें साइड ग्रिप्स फिट कर लेंगे। अभी दोबारा से इसको चेक कर लेंगे और अभी ये व्यूअर्स अभी तो
पिस्टल अपना बेहतरीन काम कर रहा है, और हमारी जो अगली वीडियो है वो फायर पिन का स्प्रिंग चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो इतनी थी। तमाम देखने वाले दोस्तों का शुक्रिया।